हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द इंग्लिश लर्निंग कॉर्नर टुडे वी विल डिस्कस द लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल रिटन बाय एन फ्रैंक बिफोर रीडिंग द स्टोरी आई वांट टू टेल यू सम बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द एन फ्रैंक एन फ्रैंक का जन्म ट्वेल्व जून 1929 को हुआ था और इनकी डेथ फेबरवरी मार्च नाइनटीन में हुई थी इनकी डेथ के बारे में कोई फिक्स डेट पक्का पता नहीं है तो ये जर्मन बॉर्न करती यानी जेव रिलीजन से ये बिलोंग करती थी इन्होंने ये डायरी उस टाइम लिखी थी जब जर्मनी में हिटलर का कब्जा था हिटलर का रूल चल रहा था हिटलर रिजाइन था तो जब हिटलर ने अपनी पावर को नेदरलैंड्स तक एक्सटेंड कर दिया तो ये एमस्टर डैम में छुपे हुए थे अपनी पापा की बिल्डिंग्स में तो ये सारी डायरी उन्होंने वहाँ लिखी ये डायरी बेसिकली डच लैंग्वेज में लिखी गई थी बाद में ये दुनिया की बहुत सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई और दुनिया की मोस्ट वाइडली रेड बुक्स में ये शामिल हुई यानी दुनिया की उन बुक्स में शामिल हुई जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती हैं तो एन फ्रैंक इन्होंने इन्होंने एक डायरी लिखी थी जिसका टाइटल जो है फ्रॉम द डायरी ऑफ ए गर्ल ये इनके पापा ने दिया था क्योंकि ये सारे फैमिली के लोग मारे गए थे वहाँ पर इनके एक ही पापा बचे थे तो बाद में जब एन फ्रैंक की डायरी इनके पापा को मिली तो उन्होंने इसको टाइटल दिया फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल सो इट इज़ वेरी इंटरेस्ट नाउ लेट अस रीड द ओवरव्यू ऑफ द स्टोरी एन टॉक्स टू हर फ्रेंड्स अबाउट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स पर शी इज इन सर्च ऑफ ए रियल फ्रेंड टू होम शी कैन ओपन हर हर्ट शी फाइंड्स अ फ्रेंड एंड कॉल्स इट किटी एन जो राइटर हैं स्टोरी की वो अपने दोस्तों के साथ रोज़मर्रा की ऑर्डिनरी बातें करती हैं नॉर्मल बातें करती हैं यानी दिल की बातें वो किसी के साथ नहीं करती ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक किसी रियल फ्रेंड की खोज में है जिससे वो अपना दिल खोल सके दिल खोल के बातें कर सके फिर उसको एक फ्रेंड मिलती है जिसका नाम वो किटी रखती है इट इज़ हर डायरी इन विच she does नॉट जॉट down द फैक्ट्स बट आल्सो pens down हर मोस्ट इंटीमेट फीलिंग्स और ये जो इसकी फ्रेंड है किटी है ये एक्चुअल में कोई आदमी नहीं है कोई गर्ल नहीं है बल्कि ये उसकी डायरी है जिसमें वो जल्दी से चीज़ें जॉट ऑन नहीं करना चाहती जल्दी से चीज़ें लिखना नहीं चाहती बल्कि इसमें अपनी जो इंटीमेट फीलिंग्स है पर्सनल फीलिंग्स हैं उनको वो आराम से लिखना चाहती हैं पेन डॉन करना चाहती है ना Now... इन दिस लेसन शी ऑल्सो प्रोवाइड्स अस अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ एंड हर इमोशनल एसोसिएशन विद हर ग्रैंड मदर इस लेसन में एन ने यानी राइटर ने हमें अपनी लाइफ के बारे में बताया है थोड़ा और ये भी बताया है कि कैसे वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ इमोशनली एसोसिएट थी इमोशनली जुड़ी हुई थी शी ऑल्सो प्रेजेंट्स अ पिक्चर ऑफ ए क्लास सिचुएशन इन विच मिस्टर की सिंग मैथ्स टीचर इज अनॉयड विद हर एंड असाइंस हर टू राइट एन एस एन चैटर बॉक्स चैटर बॉक्स मीन्स बातूनी जो बहुत ज़्यादा बातें करे तो इस स्टोरी में उन्होंने अपनी क्लासरूम के बारे में भी बताया है कि कैसे उनके मैथ्स टीचर जिनका नाम मिस्टर की सिंह था वो एनी से नाराज रहते थे और उन्होंने एन को एक ऐसे लिखने के लिए दे दिया था जिसका टॉपिक था अ चैटर बॉक्स यानी बातूनी शी हाउ एवर जस्टिफाइज बींग अ चैट्टर बॉक्स इन हर दैट मेक्स मिस्टर की सिंह एलो एन टू टॉक इन द क्लास उन्होंने इस ऐसे में चैप्टर बॉक्स को जस्टिफाई किया सही ठहराया उन्होंने ये बताया राइटर ने बताया कि बातें करना स्टूडेंट की एक ट्रेट है और उसके बाद मिस्टर की ने एनी को क्लास में बातें करने की परमिशन दे दी थी राइटिंग इन अ डायरी इज रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर सम वन लाइक मी स्ट्रेंज मीन्स वंडरफुल तो इसमें राइटर एन फ्रेंक कहती हैं के डायरी लिखना मेरे जैसे आदमी के लिए सचमुच में एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनी थिंग बिफोर बट आल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नीदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टिड इन द म्यूजिंग्स ऑफ ए थर्टीन ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल म्यूजिंग्स मीन्स थाट्स यानी ख्याल विचार तो राइटर कहती हैं कि मेरे जैसे आदमी के लिए डायरी लिखना सचमुच में एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है ऐसा इसलिए नहीं कि मैंने इससे पहले कुछ लिखा नहीं बल्कि ऐसा इसीलिए डायरी लिखने के बाद ना तो मुझे और ना ही किसी दूसरे आदमी को तेरह साल की स्कूल गर्ल की म्यूजिक्स में उसके थॉट्स में किसी को दिलचस्पी होगी कोई भी आदमी इंटरेस्टेड होगा ओ वेल इट डजेंट मैटर आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट कहती है कोई बात नहीं इसमें क्या फर्क पड़ता है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे लिखना पसंद है और इस समय सबसे बड़ी जरूरत यह है कि मैं अपने दिल से बोझ को उतार दूँ ऑफ माई चेस्ट हो गया दिल से बोझ को पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल आई था ऑफ दिस से On one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. Patience means tolerance. Depressed means sad. Listless means tired. To En Frank कहती हैं कि पेपर में आदमी से ज़्यादा सबर होता है। इंसानों में सबर कम है, लेकिन कागज़ में ज़्यादा होता है। मैं इस कहावत के बारे में उन दिनों में से एक दिन सोच रही थी जब मैं थोड़ी दुखी थी और मैं अपने ही घर पर अपनी चिन यानी अपनी ठोडी अपने हाथों में लेके बैठी हुई थी मैं बोर हो रही थी लिस्टलैस थी थकी हुई थी और मैं सोच रही थी कि मैं घर के अंदर रहूं या बाहर जाऊं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रोडिंग यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस मैं आखिरकार वहीं बैठी रही जहां मैं सोच रही थी हाँ पेपर में ज्यादा पेशेंस होता है पेपर में ज्यादा सब्र होता है एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड इट प्रोबेबली वॉनट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस स्टीफ बैग मीन्स सच्ची नोटबुक तो एन कहती है कि मेरा कोई ऐसा ख्याल नहीं है कि मैं इस सच्ची नोटबुक को जिसे मैं बड़े प्राउड से एक डायरी का नाम देने जा रही हूँ मैं किसी दूसरे आदमी को पढ़ने के लिए दूंगी जब तक मुझे कोई सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता फिर कहती हैं कि इसे लिखने या ना लिखने से शायद कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस आई डोंट हैव अ फ्रेंड प्राम्प इट मीन्स इंस्पायर्ड तो एन फ्रेंक कहती हैं कि सबसे पहले जिस चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया डायरी रखने के लिए वो पहली चीज़ क्या है कि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है दोस्त की कमी होने के कारण मैं डायरी लिखने जा रही हूं लेट मी पुट इट मोर क्लियरली सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ थर्टीन ईयर ओल्ड गर्ल इज़ कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड एंड आई एम नॉट I have loving parents and a 16 year old sister, and there are about 30 people I can call friends. सबसे पहले मुझे इस चीज़ को क्लियर करना है कि कोई भी आदमी ये बिलीव नहीं करेगा भरोसा नहीं करेगा कि तेरह साल की लड़की इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है और मैं अकेली नहीं हूँ मेरे प्यार करने वाले पेरेंट्स हैं सिक्सटीन ईयर की एक मेरी बहन है और वहाँ पे हमारी फैमिली में थर्टी पीपल हैं थर्टी लोग हैं जिनको मैं फ्रेंड्स कह सकती हूँ आई हैव अ फैमिली लविंग ऑनट्स एंड अ गुड होम नो ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरी थिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड आल आई थिंक अबाउट वेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम मेरा एक परिवार है लविंग ऑनस हैं और एक अच्छा घर है नहीं इस दुनिया में मेरे पास हर चीज़ है सिवाय एक सच्चे दोस्त के मेरे पास सिर्फ एक सच्चा दोस्त नहीं है और मैं सोचती हूँ कि जब मैं दोस्तों के साथ होती हूँ तो मेरा टाइम अच्छा निकलता है मैं इंजॉय करती हूँ आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग्स वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम मे बी इट इज़ माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर फॉल्ट मीन्स मिस्टेक तो एन कहती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ जो रोज़मर्रा की ऑर्डिनरी चीज़ें होती हैं ऑर्डिनरी बातें होती हैं उनके सिवाय मैं खुल के बात नहीं कर सकती हमें नहीं लगता कि हम ज्यादा क्लोज हो पाएंगे और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शायद ये मेरा ही कसूर हो सकता है मेरे अंदर फॉल्ट हो सकता है लेकिन हम एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते इन एनी केस दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज दैट इज वाई आई हैव स्टार्टिड द डायरी अनफॉर्चुनेटली मीन्स अनलकली तो कहती हैं कि अब कुछ भी हो अब चीज़ें ऐसे ही रहेंगी और बदकिस्मती ये है कि अब बदलने वाला कुछ भी नहीं है यही कारण है कि मैंने डायरी लिखना शुरू कर दिया एक्चुअल मैं एनिक के पास सब कुछ था लेकिन एक सिवाय सच्चे दोस्त के उसकी फ्रेंड्स तो थी लेकिन एक सच्चा दोस्त उसके पास नहीं था यही कारण है कि उसने डायरी लिखना शुरू किया टू इन्हेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन आई डोंट वॉन्ट टू जॉड डॉन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू बट आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी तो एन कहती हैं कि जिस दोस्त का मुझे लंबे समय से इंतज़ार था उसकी इमेज को इन्हेंस करने के लिए बढ़ाने के लिए मैं इस डायरी में जल्दी जल्दी फैक्ट्स को नहीं लिखना चाहती जैसे ज़्यादातर लोग करते हैं वो जल्दी जल्दी लिख देते हैं मैं चाहती हूं कि ये डायरी मेरी दोस्त हो और मैं इसको किटी नाम देने जा रही हूं। तो अपनी डायरी का वो नाम रखती है किटी। ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई कहते हैं कि किटी में लिखी हुई कहानियों का एक वर्ड भी किसी को समझ नहीं आएगा अगर मैं सीधा टॉपिक की तरफ चली गई मैंने सीधा टॉपिक लिखना शुरू कर दिया तो उससे पहले बेहतर यही रहेगा कि मैं अपनी लाइफ के बारे में ब्रीफ़ स्केच दूँ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूँ हालांकि ऐसा करना मुझे पसंद नहीं है मैं ऐसा करना डिसलाइक करती हूँ माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन डिडन्ट मैरी माई मदर अनटिल ही वॉज थर्टी सिक्स एंड शी वॉज ट्वेंटी फाइव माई सिस्टर मार्गट वॉज बॉर्न इन फ्रेंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926. ट्वेंटी सिक्स आई वॉज बॉर्न ऑन ट्वेल्व जून नाइनटीन अब वो अपने फादर के बारे में बताती हैं कि उनके फादर एडोरेबल थे लविंग थे जिनको उन्होंने कभी देखा हो वो कहती हैं कि उन्होंने उनकी मदर से शादी तब की जब उनके फादर की उम्र 36 थी और उनकी मदर की 25. उनकी बहन मॉर्गट का जन्म फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 1926 में हुआ और वो अपने जन्म के बारे में बताती हैं कि उनका जन्म 12 जून 1929 को हुआ आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अनटिल अंटिल आई वॉज फोर माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन नाइनटीन थर्टी थ्री माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रेंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेंबर वाइल मॉर्गट एंड आई वार सेंट टू एच एन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर अब राइटर कहती हैं कि चार साल तक की होने तक फ्रैंकफर्ट में ही रही फ्रैंकफर्ट जर्मनी का एक शहर है उसके बाद उनके पापा हॉलैंड में चले गए 1933 में साथ में उनकी मदर जिनका नाम एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक था वो भी सितंबर में हॉलैंड में चले गई उनकी बहन मार्गट और राइटर एने फ्रैंक को अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहने के लिए एचिन में भेज दिया गया एचिन जर्मनी का एक शहर है Margaret went to Holland in December, and I followed in February. When I plunked it on on that table as a birthday present for Margaret. अब वो कहती है writer कि Margaret भी December में Holland में चली गई, और कहती है वो भी February में चली गई, जब उनको टेबल पर प्लंक डाउन किया गया था यानी ऊपर से पटक के रखा गया था जोर से रखा गया था ऊपर से फेंका गया था मानो वो उनकी बहन मॉर्गेट के लिए एक बर्थडे प्रेजेंट हो बर्थडे का आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज सिक्स एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म मीन्स फर्स्ट क्लास राइटर कहती हैं कि उन्होंने अपनी पढ़ाई उसी टाइम वहाँ मोंटेसरी नर्सरी स्कूल से शुरू कर दी छह साल तक वो वहीं पढ़ती रही और उस टाइम वो फर्स्ट क्लास में पहुंच गई थी इन द फॉर्म माई टीचर वॉज मिसिज कुपेरिस हेड मिस्ट्रेस एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल राइटर कहती हैं कि सिक्स क्लास में उनकी टीचर मिसिज कुपेरिस थी जो हेड मिस्ट्रेस थी तो एंड ऑफ द ईयर यानी साल के आखिर में हम दोनों की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि हमारा हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल था हमारी विदाई हो रही थी जो दिल को तोड़ देने वाली थी इन द समर ऑफ 1941 फोर्टी वन ग्रैंड माँ फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन सो माई बर्थडे पॉस्ट विद लिटल सेलिब्रेशन अब राइटर कहती हैं कि 1941 की समर में गर्मियों में उनकी ग्रैंड माँ बीमार पड़ गई उनका एक ऑपरेशन होना था तो इसीलिए राइटर का बर्थडे जो था उसमें थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन किया गया ज्यादा सेलिब्रेट नहीं किया गया ग्रैंड डाइड इन जनवरी 1942 फोर्टी टू नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन नाइनटीन फोर्टी टू वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंड मा स्कैंडल वॉज लिड अलॉन्ग विद अब राइटर कहती हैं कि ग्रैंड की डेथ हो गई नाइनटीन फोर्टी टू जनवरी में और कोई नहीं जानता कि मैं आज भी उनके बारे में सोचती हूँ आज भी मुझे उनकी याद आती है और मैं अभी भी उनसे प्यार करती हूँ तो ये बर्थडे सेलिब्रेशन जो था 1942 में इसका मकसद क्या था इंटेंट क्या था कि दूसरों के लिए सेलिब्रेट करना और ग्रैंड माँ की कैंडल जो थी वो भी बाकी वाली कैंडल के साथ जला दी गई थी लिट कर दी गई थी द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल एंड दैट brings मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 and the एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी तो राइटर कहती हैं कि चार हम आज भी ठीक ठाक हैं यानी राइटर उनकी बहन और उनके फादर और मदर और आज मैं प्रेजेंट डेट 20 जून 1942 में पहुंच गई हूँ और मैं बड़े ही ईमानदारी से अपने दिल की बात अपनी डायरी को डेडिकेट करने जा रही हूँ लिखने जा रही डियरेस्ट किटी और इंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फार्म एंड हु कैप्ट बैक हाफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स क्वेकिंग इन इट्स बूट्स मीन्स शेकिंग विद फियर एंड नर्वसनेस फोर्थ कमिंग मीन्स अप्रोचिंग मूव अप मीन्स प्रमोट तो अब एन यानी राइटर अपनी डायरी में सब लिख रही है वो लिखती है कि डी किटी हमारी पूरी क्लास डर से कांप रही है कांपने का कारण क्या है कि टीचर्स की होने वाली मीटिंग जिसमें टीचर्स ये फैसला करेंगे कि किसको पास किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में और किसको फेल किया जाएगा आधी क्लास जो है वो बेट्स लगा रही है शर्तें लगा रही है जी एन एंड आई लव आवर सेल्फ एट द टू बॉयज बिहाइंड सी एन एंड जैक्स हु हैव स्टेक् their entire holiday savings on their bet from morning to night it is you are going to pass no i am not yes you are no i am not gn jo writer ki friend hai writer kehti hai gn aur main hum dono हमारे पीछे बैठे हुए दो लड़कों के ऊपर हंस के पागल हो रहे हैं उन लड़कों के नाम हैं सी एन एंड जैक्स जिन्होंने अपने पूरे हॉलीडे की सेविंग्स शर्तू पे लगा दी है सुबह से लेकर रात तक यही चलता रहता तुम पास हो जाओगे नहीं मैं नहीं पास हो पाऊंगा हाँ तुम तो हो ही जाओगे नहीं मैं पास नहीं हो पाऊँगा इवन जीज प्लीडिंग ग्लांसिस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डॉन इफ यू आस्क मी देर आर सो मेनी डमीस दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी कैप्ट बैक बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रीडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ प्लीडिंग ग्लेंसिस मीन्स रिक्वेस्टिंग यानी किसी को रिक्वेस्ट करना तो कहती हैं कि जी कि जो प्लीडिंग ग्लैंसिस हैं उन लड़कों की तरफ रिक्वेस्ट बड़ी नजरों से देखती है और मैं गुस्से से देखती हूँ तब भी वो दोनों लड़के शांत नहीं होते चुप नहीं होते अगर तुम मुझसे पूछो तो हमारी क्लास में बहुत से डमीस हैं यानी डलर्ट्स हैं कुछ नलायक बच्चे हैं तो ऐसा लगता है कि क्वार्टर क्लास को फेल कर दिया जाएगा क्वार्टर क्लास मीन्स वन फोर्थ यानी ट्वेंटी फाइव परसेंट बच्चों को फेल कर दिया जाएगा लेकिन फिर भी टीचर इस अर्थ के ऊपर अनप्रिडिक्टेबल क्रिएटर से इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता हो सकता है सबको पास कर दें आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ वी विल मेक इट द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स एनी वे ऑल वी कैन डू इज वेट अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नाट टू लूज हट तो अब अपनी डायरी पे वो लिखती जा रही है यानी अपनी किट्टी को वो कहती जा रही है कि मुझे अपनी और अपनी सहेलियों की ज़्यादा फिक्र नहीं है हम पास हो जाएंगे एक सब्जेक्ट जिसमें मुझे थोड़ा भरोसा कम है वो है मैथ्स कुछ भी हो हम तब तक वेट कर सकते हैं तब तक हम हमें एक दूसरे को यही कहना चाहिए कि हिम्मत मार हारो रिजल्ट का वेट करो आई गेट अलॉन्ग वेल विद ऑल माई टीचर्स देर आर नाइन ऑफ दम सेवन मैन एंड टू वीमेन मिस्टर की सिंह द ओल्ड फोगे हु टीच मैथ्स वॉज एनॉयड विद मी फॉर एजिस बिकॉज आई टास्क सो मच अब एन आपने स्कूल टीचर्स के बारे में बताती हैं वो कहती हैं कि मेरी सारे टीचर्स के साथ बहुत अच्छी बनती है अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कुल नौ टीचर हैं जिनमें सेवन मैन हैं और टू वीमेन हैं अब वो अपने मैथ्स टीचर्स के बारे में बताती है जिनका नाम मिस्टर की सिंह है कहते हैं कि वो ओल्ड फोगे है ओल्ड फोगे मीन्स ओल्ड फैशन ये पुराने फैशन की तरह वो रहते हैं जो हमें मैथ्स पढ़ाते हैं ऐसा लगता है कि बहुत ज़मानों से मेरे से वो नाराज़ रहते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि मैं क्लास में बहुत ज़्यादा बातें करती थी आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क एंड एस एन द सब्जेक्ट अ चैटर बक्स तो कहती हैं कि उन्होंने मुझे बहुत सी वार्निंग्स दी कि तुम क्लास में बातें मत करो लेकिन फिर मैं करती थी फिर वो मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया करते थे उन्होंने मुझे एक ऐसे दिया जिसका सब्जेक्ट था जिसका टाइटल था अ चैटर बक्स और चैटर बक्स का मतलब होता है बातूनी आ चैटर बक्स वट कैन यू राइट अबाउट दैट आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर आई डिसाइड इट आई जॉट इड डॉन द टाइटल इन माई नोट बुक टक्ट इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट एक चैटर बक्स उसके ऊपर भला कोई क्या लिख सकता है तो मैंने सोचा मैंने फैसला किया कि इसके बारे में मैं बाद में सोचूँगी मैंने जल्दी से ही टाइटल जो है अपनी नोटबुक पर लिख दिया जॉट इड डॉन मीन्स रोट डॉन और मैंने उस नोटबुक को अपने बैग के अंदर डाल दिया और मैंने खमोश रहने की कोशिश की मैंने यह कोशिश की कि अब चुप ही रहा जाए क्लास में तो ज्यादा दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल्ड चीविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन उसी शाम को जब मैंने अपना सारा होमवर्क कंप्लीट किया उस नोट के ऊपर मेरी नजर पड़ी मैंने फोन टैन पेन की टिप को चबाते हुए उस सब्जेक्ट के बारे में उस टॉपिक के बारे में सोचना शुरू किया एनी वन कूड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसिस बिटवीन द वर्ड्स बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद द कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग आई थॉट एंड थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया रैम्बल ऑन मीन्स राइट आ स्पीक विदाउट फोकस बिना फोकस के लिखना आर्ग्यूमेंट्स मीन्स डिस्कशंस कोई भी आदमी वर्ड्स के बीच में बड़ी बड़ी खाली जगह छोड़ के लिख सकता था लेकिन चलाकी इसमें थी कि ऐसा कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट दिया जाए कि बातों की नेसेसिटी को प्रूव किया जाए ये साबित किया जाए कि बातें करना भी स्टूडेंट की लाइफ में जरूरी होता है मैं सोचती रही सोचती रही और अचानक मेरे मन में एक ख्याल आया आई रोट द थ्री पेज मिस्टर की हैड असाइंड मी एंड आई वॉज सेटिस्फाइड तो मिस्टर की ने जो मुझे टॉपिक दिया था लिखने के लिए चैटर बॉक्स के ऊपर मैंने तीन पेज लिखे और मैं सेटिस्फाई हो गई आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट स्ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टाकड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर एंड दैट देर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स ट्रेड मीनस फीचर यानी खासियत तो मैंने उसमें आर्ग्यूट किया मैंने ये दलील दी मैंने ये समझाने की कोशिश की कि बातें करना स्टूडेंट की एक ट्रेड होती है और मैं अपने ऊपर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करूँगी कि मैं बातें ना करूँ लेकिन फिर भी मैं अपने आप को ठीक नहीं कर सकती यानी मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ये आदत मुझे अपनी मदर से मिली है क्योंकि उनकी माँ भी बहुत ज़्यादा बातें करती थी और जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होती हैं विरासत में मिली हुई आते होती हैं उनको सुधारना थोड़ा मुश्किल होता है मिस्टर की सिंह हैड अ गुड लॉफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइंड मी अ सेकेंड एसे तो राइटर कहती हैं कि जब मैंने यह लिख के दिया चैटर बॉक्स के ऊपर लिख के दिया तो मिस्टर की जो है वो बहुत हंसने लगे फिर मैंने नेक्स्ट लेसन के द्वारा जब मैंने बातें करना प्रोसीडेड की कैरी ऑन की यानी बातें करना जारी रखी उन्होंने मुझे सेकेंड ऐसे दे दिया एक और टॉपिक लिखने के लिए दे दिया दिस टाइम इट वाज स्पोज टू बी ऑन एन इनकोरेजेबल चैटर बॉक्स आई हैंड इट इन एंड मिस्टर की सिंह हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर टू होल लेसन इनकॉरेजेबल मीन्स दैट कैनॉट बी कोटेड तो राइटर कहती हैं कि इस टाइम उन्होंने मुझे इनकोरेजेबल चैटरबॉक्स के ऊपर लिखने के लिए दे दिया इनकोरेजेबल चैप्टरबॉक्स मीन्स ना सुधरने वाला बातों यानी ऐसा आदमी जो कभी ना सुधरे मैंने ये भी लिखा और लिख के दे दिया और मिस्टर कीसिंग को अगले दो लेसन तक मुझसे कोई शिकायत नहीं हुई क्योंकि मैं बिल्कुल खामोश रही हाउ एवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही हैड फाइनली हैड इनफ और तीसरे लेसन में वो इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सके एनी फ्रैंक, एज पुनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन एस से इन टाइटल्ड क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स और उन्होंने कहा फ्रैंक, क्लास में बातें करने के लिए पुनिशमेंट के तौर पर एक ऐसे लिखो जिसका टाइटल है क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स द क्लास राउट आई हैड टू लाफ टू दई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इन On the topic of chatterboxes, it was time to come up with something else, something original. Loud means make loud sound. Exhausted means tired. Ingenuity means originality and inventiveness. तो एन फ्रेंक कहती हैं कि जब मुझे उन्होंने तीसरा टॉपिक दिया लिखने के लिए जिसका टाइटल था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स तो पूरी क्लास हंसने लगी और मुझे खुद हंसी आ गई। अब चैप्टर बक्सिस के टॉपिक के ऊपर लिख लिख के मेरी जो इंजूनिटी थी वो खत्म हो चुकी थी अब ऐसा टाइम था कुछ नया किया जाए कुछ ओरिजिनल माई फ्रेंड सैन हु वॉज गुड एट पोइट्री अफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्स एंड आई जम्पड फॉर जॉय मिस्टर की वाज वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम वर्स मीन्स पोइट्री रेडिकुलस मीन्स लॉफेबल तो राइटर एनी फ्रेंक कहती हैं कि मेरी सहेली सैनी जो पोइट्री लिखने में बहुत अच्छी थी उन्होंने मुझे ऑफर किया कि इस एसे को शुरू से लेके एंड तक पोइट्री की फॉर्म में लिखने में वो मेरी मदद करेंगी और मैं खुशी के मारे उछल पड़ी मिस्टर की सिंह इन दिनों इस रेडिकुलस सब्जेक्ट के द्वारा मेरे ऊपर जोक लगाने की कोशिश कर रहा था मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा था और मैंने भी ये ठान लिया था कि जोक उल्टा उसी पर ही पड़े आई फिनिश्ड माई पॉइम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन विद थ्री बेबी डकलिंग्स दैट वर बेटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वेक्ट टू मच क्वैक मीन्स मेड साउंड ऑफ डक्स एन Frank कहती हैं कि मैंने अपनी पोइम लिख के कम्प्लीट की यह बहुत ब्यूटीफुल थी ये एक मदर डक और एक फादर स्वैन के ऊपर थी जिनके तीन बच्चे होते हैं और उन बच्चों को उनके फादर अपनी चोंच से मार डालते हैं क्योंकि वो बच्चे बहुत ज़्यादा बोलते हैं आवाज़ करते हैं लकली मिस्टर की took टुक द जोक द राइट वे ही रेड द पॉइम टू द क्लास एडिंग हीज ओन कॉमेंट्स एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल कॉमेंट्स मीन्स रिमार्क्स तो एन फ्रेंक कहती हैं कि खुशकिस्मती ये थी कि मिस्टर की सिंग ने इस जॉक को पॉजिटिव वे में लिया उसने ये पॉइम क्लास को पढ़ के सुनाई कुछ अपने कॉमेंट्स भी एड किए और बहुत सी दूसरी क्लासेस में भी पढ़ के सुनाई सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क उसके बाद मुझे क्लास में बातें करने की परमिशन दे दी गई और मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया ऑन द कॉन्ट्रेरी मिस्टर की सिंह वॉज ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डेज तो राइटर कहती हैं कि इन दिनों अगर इसके कॉन्ट्रेरी देखा जाए तो मिस्टर की हमेशा मजाक किया करता था यूएसएन थैंक्स फॉर वाचिंग